नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, हाल ही के अंदर की एक खबर है, हाल ही के अंदर की काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, जो कि आप सभी के माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देख लें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखें शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष का आकाश असामयिक निधन। यहाँ पर दरअसल मैं आपको बताऊँ, अंबेडकर नगर की ये खबर है। आदर समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष थे अनूप त्रिपाठी जी। काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील थे शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के लगातार इन्होंने संघर्ष किया। वर्तमान में एक बीमारी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावह बीमारी कही जा सकती है, उससे ये ग्रसित भी थे। लगातार आर्थिक तंगी के कारण, इलाज न करा पाने के कारण, इलाज के अभाव के कारण उनका निधन हो गया हाल ही के दिनों में। फिलहाल के लिए ये सूचना एक काफ़ी ज़्यादा क्षतिपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में ये जो क्षति है इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। फिलहाल शायद सरकार इसकी भरपाई करने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की शिक्षा मित्र समाज की क्षति को सरकार ने पूर्ण करने का कार्य नहीं किया है। फिलहाल ये सच कड़वा है, लेकिन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि आज अगर शिक्षा मित्रों को सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को उनका सम्मान वापस किया जाता, तो कहीं ना कहीं इनका इलाज अच्छे ढंग से हो पाता और आज ये आप सभी के बीच में उपस्थित भी होते। फिलहाल के लिए ये शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य भी हैं, जहां पर शिक्षा मित्र केयर समिति के जिला संयोजक अंबेडकर नगर यानी कि रामचंद्र मौर्य, जो कि शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि इन्हें शिक्षा मित्र केयर समिति से पूर्ण आर्थिक सहयोग इनके परिवार को दिलाया जाए। फिलहाल के लिए आप सभी जितने भी साथी इस समिति के सदस्य नहीं हैं, कृपया आप भी इस समिति के सदस्य हो लें, क्योंकि इसमें कोई लार्ज अमाउंट आपसे लिया भी नहीं जाता, एकदम अल्पतम अमाउंट में आप इसके सदस्य बन सकते हैं। फिलहाल के लिए